अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस्लामाबाद में थोड़ा खड़े तो होने दो यार, इस्लामाबाद में आजम सवाती के मुकदमे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू एक रिट पिटीशन दायर की है, जिसमें हमने ये रिलीफ मांगा है कि आजम सवाती के खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं वो सेक्रेटरी इंटीरियर को बुला के हिदायत की जाए कि उसकी कॉपीज़ दें और डिटेल्स दें हमें कि वो मुकदमात के कहाँ कहाँ पे दर्ज हो रहे हैं। जो ताज़ा तरीन मेरे पास मालूमात हैं उनके मुताबिक अभी तक आजम सवाती के खिलाफ 22 FIRें काटी जा चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2018 में एक जजमेंट दी है जिसमें 7 जजेस थे चीफ जस्टिस समेत, उसमें उन्होंने कहा है कि कोई एक ऐसा वकूआ जिसकी एक FIR हो जाए उसमें दूसरी FIR नहीं कट सकती, और इसीलिए जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की FIR है वो भी नहीं काटी गई, जाली FIR पहले काट दी गई थी। लेकिन ये बड़े शर्म का मुकाम है कि एक 75 साल लेजिस्लेटर जो हाउस ऑफ फेडरेशन का मेंबर है उसको पहले कस्टोडियल टॉर्चर का निशाना बनाया गया, और कल उन्होंने मैजिस्ट्रेट के सामने इस्लामाबाद में ये बयान दिया आजम सवाती ने ऑन रिकॉर्ड, मैं उनकी वकालत कर रहा था वहाँ पे, कि उनकी जान को ख़तरा है, इसलिए बहुत सारी FIRें करके किसी जगह कहेंगे पुलिस मुकाबला हो गया, किसी जगह कहेंगे कोई मार के चला गया, इसलिए फौरी तौर पे हम उसकी रिहाई का आज आजम सवाती की लायअमल बनाएंगे, इसीलिए मैं इस्लामाबाद से आया हूँ। दूसरा ये कि जो इमरान खान ने असम्बलियाँ छोड़ने का जो ऐलान किया है, पूरे पाकिस्तान में सारे सेन लोग जिनको शऊर है कि वतन क्या है, जिनको अकल है कि मईशत क्या है, जिनको समझ है कि गवर्नेंस क्या है, और जिनके दिल में दर्द है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है और क्या होना चाहिए, भाई में गिर चुके हैं, वो सारे के सारे इस पर बहुत खुश हैं। इंशाल्लाह उसके बारे में भी गुफ्तगू होगी और उसके बारे में भी फैसला होगा, और जब हम असेंबलियाँ छोड़ेंगे तो तकरीबन पूरे पाकिस्तान में 800 के करीब जो नशिस्तें हैं उनमें से तकरीबन 600 से थोड़ी कम नशिस्तें उन पर इंतखाब कराना पड़ेगा। पाकिस्तान के पास ना इतने पैसे हैं ना इलेक्शन कमीशन के पास कैपेसिटी है कि वो 8-9 महीने के अंदर अंदर दो दफ़ा 600 और 900 इंतखाबात मुनक्कद करवा सकें, उनसे तो 20 नहीं होते, 20 में 40 जगह धांधली होती है। तो इसलिए जो PDM की गवर्नमेंट है उसके पास और बाकियों के पास कोई रोड मैप नहीं है पाकिस्तान को बचाने का। इंग्लैंड के अंदर 4 प्राइम मिनिस्टर एक टर्म के अंदर बदले हैं, जमहूरियत को कोई ख़तरा नहीं आया, इसलिए कि वो इलेक्शन करा लेते हैं, वो फिर चले जाते हैं पब्लिक के पास। दो दफ़ा उन्होंने ब्रेग्जिट के ऊपर रेफरेंडम कराया, तो इसलिए जो पाकिस्तान का मफरूर इटालियन माफिया है आजकल, किसी ज़माने में सिसिलियन माफिया होता था, वो रास्ता नहीं रोक सकता। दो चीज़ें मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि असेंबली तोड़ने का इख्तियार जिस तरह मरकज़ में वज़ीर आज़म के पास होता है, इसी तरह से आइन के मुताबिक ये इख्तियार वज़राए आला के पास है, और जो गवर्नर का इख्तियार है उसमें लिखा हुआ है कि जब वज़ीर आला असेंबली तोड़ेगा तो लफ्ज़ शेल यानी लाजमी तौर पर मैंडेटरी है कि वो उस ऑर्डर को कंप्लाई करेगा गवर्नर, इसलिए भागने का कोई रास्ता नहीं है, फरार की राहें मत तलाश करो। तुम सारे कहते हो कि इमरान के साथ लोग नहीं हैं, तुम सारे कहते हो बाहर बैठ के कि इलेक्शन हम जीत सकते हैं, हम बड़े पॉपुलर हैं, आओ मुकाबला करो। लोगों का फैसला जिसको कहते हैं असल सॉवरन वो वोटर होता है, इसलिए वोट के एहतराम का मौका है, सारे आए आके मिलके इलेक्शन लड़ते हैं। अच्छा, कौमी असेंबली भी तोड़ी गई थी। देखिए, वजीर आला को गवर्नर नहीं कह सकता, किस बुनियाद पे कहेगा? अगर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन आए और नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए से ऑपोजिशन ने अपने नंबर्स अक्सरियत एक वोट की अक्सरियत वो साबित करना होती है, इसलिए दिस इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन। दूसरा ये है
कि जिस वक्त भी वो ले के आएँ, जो मर्ज़ी ले के आएँ, उनके पास अक्सरियत नहीं है, इसलिए उनको सिवाय शर्मिंदगी, नदामत और हाउस के अंदर जिस तरह पहले हमजा के पर काटे गए थे कुकड़ी समेत, इस तरह दोबारा कटेंगे। अच्छा ये बताइए, कौमी असेंबली में भी आप हवाला दे रहे हैं, वजीर आला जो है सब्जियां तोड़ सकते हैं, उसी आयन के तहत अगर अदम इत्माद की तहरीक आ जाए तो वजीर आला ये अख्तियार खो देते हैं। अभी तक आपके लोगों ने, वजीर आला ने, दोनों वजीर आला ने जो है सब्जी तोड़ने की एडवाइस दी थी, और इस बात के इम्कान है कि अदम इत्माद की तहरीक आज या कल आने को, कल बड़ा लेट होगा। अच्छा बिलाल साहब, कौमी असेंबली तोड़ी गई थी, कौमी असेंबली भी तोड़ी गई थी, लेकिन कौमी असेंबली जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहाल कर दी गई, अगर यहाँ भी तोड़ी गई तो क्या यहाँ पर जाकर? ये एक असेंबली नहीं है, ये असेंबलियाँ हैं, हम बहुत सारी जगह पे हैं, असेंबलियाँ। आज